भिवानी पहुंचे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह तानाशाही रवैया नहीं अपनाती, कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार है, हरियाणा में कभी भी घोषणा हो सकती है। साथ ही रामविलास शर्मा और ओपी धनखड़ के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं। हरियाणा प्रदेश में हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से गठबंधन करने की। मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने आप में इतनी सक्षम है। आपकी सत्ता किससे रह सकता है यदि ऐसी पोजीशन आती है? नहीं, ऐसी पोजीशन आएगी नहीं हमारे यहाँ। 23 जून को सर पटना में विपक्ष का एक राष्ट्रीय सत्ता पर सम्मेलन हो रहा है, तो किस प्रकार देख रहे हैं वहाँ पर गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे यूपीए था? देखिए, तो आगे हरियाणा में आगे किस प्रकार बदलाव देख रहे हैं? देखिए, वो परिस्थिति तो 23 तारीख को पता लगेगी, लेकिन मैं मेरे तौर पर बता सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को किसी के संगठन की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। और जो जो प्रभाव क्षेत्र पूरे देश में कांग्रेस के आज तक रहे हैं, जहाँ हमारा मुकाबला सीधा भाजपा से रहा है, ये हमारी दूसरी भी अलायंस की जो पार्टनर या पार्टियां होंगी वो भी अच्छी तरह समझते हैं। और मैं समझता हूँ ज्यादा जिन पार्टियों का प्रभाव क्षेत्र है एक दूसरे की मदद करेंगे तो भाजपा को हराने में सक्षम रहेंगे। कांग्रेस